गंडोला यार्ड में मसीही कब्रिस्तान पर कुछ शरपसंद अनासर की तरफ से कब्जा करने की कोशिश। 34 से 35 साल की अनथक मेहनत की वजह से हुकूमत सिंध की तरफ से मिलने वाला कब्रिस्तान फिर से छीनने की कोशिश। मसीही अवाम सरापा एहतजाज है और मसीही अवाम का कहना है कि हमें महकमा रेवन्यू की जानिब से अहमद शाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कब्रिस्तान की ज़मीन अलाट की गई है। मकामी लोगों का कहना है कि हमें कब्रिस्तान की ज़मीन 2018 में दी गई और हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेजात मौजूद हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन अलाट होने से पहले हम मीरपुर, खास हैदराबाद और दीगर इलाकों में अपने प्यारों को दफन किया करते थे। मसीही अवाम का कहना है कि कब्रिस्तान पर काबज कुछ शरपसंद अनासर हैं जो मसीहियों से कब्रिस्तान छीन लेना चाहते हैं। जदोजहद करने के बाद हमें कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलाट की गई। सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई चर्च और बाउंड्री वॉल की तामीर रोकने की कोशिश जारी है। कुछ शरपसंद अनासर हमें चर्च और बाउंड्री वॉल में से रास्ता न देने पर ब्लैकमेल कर रहे हैं जो हम तामीर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर SSPI जी सिंध और आला अहकाम से मुतालबा किया कि वो मामले को संजीदगी से लें और अपने मातहत अफसरान की बजाय खुद मामले की इंक्वायरी करें और मसीही अवाम का कब्रिस्तान वाला मसला हल किया जाए और ऐसे नासिर को सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह का मामला पेश ना आ सके।